नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री रामचंद्र सिद्ध प्रभु भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की, चौबीसों जिन राज को प्रणमु बारंबार राम चरित वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार। सरस्वती माँ शारदे तुमको सुमरूं आज वीर प्रभु रखना मेरी लाज सभा में आज। यह भगवान श्री राम का निर्मल चरित्र आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस कथा को हम पढ़ रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं वह कथा जैन तीर्थंकरों के द्वारा बताई हुई, जैन आचार्यों के द्वारा बताई हुई गाथाओं के अनुसार आपको सुनाई जा रही है। यद्यपि भगवान श्री राम के विषय में रामायण के रूप में अनेक तरह की कथाएं प्रचलित हैं, देश में हैं विदेश में हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप भारतीय इतिहास की ओर दृष्टिपात करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इस धरती पर हमेशा से दो धाराएं चली हैं, एक वैदिक परंपरा कहलाती है और एक श्रमण परंपरा कहलाती है। वैदिक परंपरा जो वेदों को प्रमुख रूप से मानती है और श्रमण परंपरा जो श्रमणों को दिगंबर रूप को और जैन तीर्थंकरों को जिनेन्द्र भगवान को विशेष रूप से मानती है। ये दोनों ही परंपराएं इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं और इन दोनों ही परंपराओं का इतिहास अनादि है, सनातन है। जिस तरह से हम वाल्मीकि रामायण के माध्यम से वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम का चरित्र सुनते हैं, सबने सुना है, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, पढ़ा भी होगा और टीवी सीरियलों के माध्यम से देखा भी होगा। ठीक इसी तरह से एक और परंपरा जो हमेशा समानांतर रूप में चलती आई है, जो श्रवण परंपरा कहलाती है, जैन परंपरा कहलाती है, यह परंपरा 24 तीर्थंकरों को भगवान के रूप में स्वीकार करती है और इससे पहले भी अनेक अनेक भगवान हो चुके हैं यह भी स्वीकार करती है। इस श्रवण परंपरा का, जैन परंपरा का उल्लेख उनके तीर्थंकरों के उल्लेख से ज्ञात होता है कि सभी वेदों में पुराणों में भगवान ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर हुए उनका उल्लेख मिलता है।
विष्णु पुराण में भगवान ऋषभदेव उनके पुत्र भरत माँ मरुदेवी का वर्णन वैसा ही मिलता है जैसा जैन आगम के अंदर मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि जैन परंपरा अपने आप में एक सनातन परंपरा रही है और इस सनातन परंपरा को जिस तरह से हम वैदिक परंपरा को सनातन परंपरा कहते हैं उसी के पैरेलल ये परंपरा हमेशा से चली है। कितनी ही पुरानी सभ्यताएं हों, चाहे वो हड़प्पा की सभ्यताएं हों, मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं हों, सिंधु घाटी की सभ्यताएं हों, इतिहास में हर सभ्यता में जिस तरह से वैदिक संस्कृति के अनेक शिलालेख उल्लेख उत्खनन में प्राप्त होते हैं, इसी तरह से जैन मूर्तियां, जैन अवयव, जैन मुद्राएं, अनेक शिलालेख प्राचीनता के रूप में इन सब संस्कृतियों में सभ्यताओं में उपलब्ध होते हैं। इसलिए हर उदार मना व्यक्ति को इस भारतीय संस्कृति का अगर समूचा अध्ययन करना है तो उसे वैदिक परंपरा के साथ साथ श्रवण परंपरा का भी बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन करना आवश्यक है। यह परंपरा अन्य संप्रदायों की तरह अर्वाचीन तात्कालिक नहीं है, जैसे बौद्ध हैं, सिख हैं, अन्य अन्य इत्यादि हैं। इनका एक उद्भव काल हमारे सामने है और ये सब ईसा के कुछ पहले या कुछ बाद के हैं, लेकिन भगवान ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, उन तीर्थंकरों के बाद में 23 तीर्थंकर और हुए, 24 तीर्थंकरों की ये जो परंपरा है, यह परंपरा इस श्रवण धर्म को या जैन धर्म को बहुत प्राचीन सिद्ध करती है। और जब इसी परंपरा के अनुसार हम इन महापुरुषों का वर्णन सुनते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि भगवान ऋषभदेव तो पहले तीर्थंकर थे, उनके बहुत समय बाद दूसरे तीर्थंकर हुए, उनके बहुत समय बाद तीसरे तीर्थंकर हुए और वो बहुत समय असंख्यात वर्षों का काल तक बीतता है। उसके बाद में जब यह 20वें तीर्थंकर मुनिसुब्रत नाथ भगवान हुए, उन मुनिसुब्रत नाथ भगवान के तीर्थ का जब काल चल रहा होता है तो उस काल में ये राजा दशरथ और उनके ये पुत्र श्री राम लक्ष्मण आदि का यह जो चरित्र चित्रण हमारे सामने आता है, ये कथानक सामने आता है, ये उस समय का है। उसके बाद और भी तीर्थंकर, 20वें तीर्थंकर के बाद में 21वें तीर्थंकर हुए, नमिनाथ भगवान, फिर उसके बाद में नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर हुए, उसके बाद में पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर हुए और उसके बाद 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, जो ईसा से 527 वर्ष पहले उनका काल माना जाता है। और इसके बाद में जो ये परंपरा चल रही है, जो हमारे सामने है, इस पूरी परंपरा को यदि हम ध्यान में रखें तो हमें ज्ञात होता है कि इन तीर्थंकरों का काल बहुत असंख्यात वर्षों पुराना काल है। और इस प्राचीनता को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो भगवान मुनिसुब्रत नाथ के तीर्थ में हुए ये श्री राम, श्री हनुमान इत्यादि, इन सब का चरित्र चित्रण हमारे पुराणों में मिलता है। और उदार मना व्यक्ति को हमेशा अपना हृदय इतना खुला रखना चाहिए, अपना मन मस्तिष्क इतना खुला रखना चाहिए कि ज्ञान की बातें हमें सबसे ग्रहण करने का भाव आना चाहिए, हमारे मन में आग्रह नहीं होना चाहिए। अनाग्रह पूर्वक अगर हम सम्यक ज्ञान की बातें सुनेंगे तो हमारा मन जरूर पवित्र होगा। भगवान की कथा वही है, कुछ कथानक हो सकता है कहीं उपलब्ध ना हो जो जैन दर्शन में उपलब्ध हो, लेकिन हमें उन पर भी चिंतन मनन करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको हर मेरी बात को मान लेना चाहिए या मेरी हर बात को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए,
लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हर किसी उदार मना व्यक्ति को एक दूसरे की बातों को सुनना जरूर चाहिए। अगर हम सुनने की भावना रखेंगे तो हम कभी समझ पाएंगे, विचार कर पाएंगे कि आखिर इन तथ्यों से हमारे भगवान की छवि में कोई अंतर नहीं पड़ता। मानो कि जैसे कल आपसे कहा था, राजा दशरथ की चार रानियां थीं। हमने सुना है कि राजा दशरथ की तीन रानियां थीं, लेकिन कल आपको बताया गया राजा दशरथ की चार रानियां थीं। हमें इन तथ्यों से क्या फर्क पड़ता है? आखिर चार पुत्र तो हमारे सामने हैं, श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, और उनका जीवन चरित्र हमारे सामने वैसा ही आ रहा है। कथाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं, हमें एक नए दृष्टिकोण से अपने भगवान के प्रति अगर हमारी श्रद्धा रहती है, हमारा विश्वास रहता है, तो उनके अनेक अनेक पहलुओं को जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा अवश्य होनी चाहिए। और इसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए ये जैन रामायण आपके सामने आ रही है। जब कल उस कथानक में आपसे कहा कि वह मिथिलापुरी के राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करने का अपना मन बना लिए थे, लेकिन चंद्रगति का पुत्र जो भामंडल, वह उस स्त्री का, उस पुत्री का चित्र देख करके जब मोहित हो गया तो अपने पुत्र को बेहाल देख करके उस चंद्रगति राजा ने राजा जनक को अपने यहां बुला लिया। कैसे बुलाया वो कल आपको बताया था, ध्यान है कि भूल गए? उन्होंने एक विद्याधर को भेजा, उसने घोड़े का रूप बनाया, बहुत सुंदर घोड़ा, सफेद रंग का घोड़ा, अनेक तरह की कलाओं को दिखाने वाला घोड़ा, और उस घोड़े को देख करके राजा जनक का मन उस पर सवारी करने को हुआ। और जैसे ही वो सवारी करके उस पर बैठे, उस घोड़े ने उड़ करके तुरंत उन्हें विजयार्थ पर्वत पर पहुंचा दिया। उन विजयार्थ पर्वत पर जब वो विद्याधरों के यहाँ पहुंच गए, वहां पर भी जिनालय बने होते हैं, उन जिनालयों में उन्होंने दर्शन किए, तब तक वो राजा चंद्रगति आ जाते हैं और वो आपस में बैठ करके बात करते हैं। और वह राजा चंद्रगति कहते हैं कि मैं अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करना चाहता हूं। तो जब राजा जनक ने कहा कि नहीं, मैंने उस पुत्री का विवाह करने का मन तो श्री राम के साथ बना लिया है, ये संबंध नहीं हो सकता है, तो चूंकि वह विद्याधर अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, तो वह विद्याधर कहने लगा कि आपको हमारा अपमान करना अच्छी बात नहीं, आप समझ नहीं पा रहे कि हम क्या लोग हैं, हम क्या चीज हैं, हम कितने बड़े लोग हैं। हम आकाश में उड़ने वाले, विद्याओं को धारण करने वाले, महाशक्तियों को धारण करने वाले, अनेक तरह की विक्रियाओं को करने वाले, हम बड़े समर्थ लोग होते हैं, और हमने अगर अपने पुत्र की खातिर आपको यहाँ बुलाया है तो आपको ये बहुमान होना चाहिए था कि आपको ये लगना चाहिए था कि हमें इतना बड़ा संबंध करने को मिल रहा है, आपको इसकी स्वीकारता देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। ये जब चंद्रगति ने जनक से कहा और जनक ने चंद्रगति की बात को नहीं माना, तो फिर थोड़ा सा गुस्सा चंद्रगति को भी आया और थोड़ा गुस्सा फिर बाद में जनक को भी आया। जब चंद्रगति को गुस्सा आया तो वो कहता है, शिशोर विस्फले प्रीति निस्वस्य वदरादिषु ध्वांछस्य पादपे शुष्के सुभावे खलु दुस्तजय। वो कहता है चंद्रगति, आपका यह इंकार करना ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी बच्चे की विष फल में प्रीति हो जाए। बच्चा जानकार नहीं होता है, उसके सामने विष फल अगर अच्छा दिख रहा है, लाल रंग का दिख रहा है, तो वह उसे खाने लग जाता है। चंद्रगति कहता है कि आपकी यह प्रीति उन भूमि गोचरी उन लोगों में जो हो रही है, वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे किसी निर्धन व्यक्ति के लिए बेर खाने में प्रतीति अच्छी लगती है, बेर खाने में उसकी प्रीति होती है। फल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे बेर खा करके ही निर्धन व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है।
ऐसे ही आप जो है उन भूमि गोचरी तुच्छ लोगों के साथ में संबंध रखने को तैयार हुए और हमने आपको बुलाया, आप हमारे संबंध को स्वीकार नहीं कर रहे हो। आपकी यह प्रीति ऐसी लग रही है जैसे कौवा होता है उसकी सूखे वृक्ष की प्रति प्रीति होती है, ध्वांचस से पाद पे सुस्के, सूखा वृक्ष होता है उसे उस पर बैठ करके ही अच्छा लगता है, लेकिन सूखे वृक्ष का कोई महत्व नहीं होता है, कौवा उसी पर बैठता है। स्वभाव है खलु दुष्ट जय, ऐसा लग रहा है कि आपका स्वभाव भी इन्हीं लोगों की तरह है, जो आप अपने स्वभाव में बदलाव नहीं चाह रहे, आप हमसे अपना संबंध बनाना नहीं चाह रहे। जब चंद्रगति ने जनक से ये कहा और श्री राम के प्रति उस चंद्रगति विद्याधर का जब एटीट्यूड देखा, तो उस समय पर राजा जनक को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने उन श्रीराम की सामर्थ्य पहले देख रखी थी। जब वो आपत्ति में पड़े थे तब उन्हीं श्रीराम और लक्ष्मण ने उनको आकर के बचाया था, बहुत बड़े मिलेच्छों के सरदारों से और मिलेच्छों के समूह से उनको उबारा था, तो वो उनकी शक्ति को जानते थे और उनके मन में विश्वास था कि नहीं, श्री राम से बढ़कर के कोई भी यहाँ पर पुण्यवान कुलवान रूपवान योद्धा शूरवीर नहीं है, और ऐसा विचार उनके मन के अंदर चलता है और उसी विचार के कारण से वह राजा जनक चंद्रगति से कुछ कहते हैं, और वो क्या कहते हैं आपके सामने आगे काव्य के माध्यम से आ रहा है। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम, जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। बात यह सुन जनक क्रोध में भर गए, तेजो कहने नहीं वह वचन कह गए, पक्षी उड़ते बहुत से हैं आकाश में, फर्क क्या उनमें तुम में बताओ जरा, तीर्थंकर व बलभद्र चक्रेश तक है इसी भूपे आकर जन्म धारते, पूजते जिनको आकर के अमरेश भी हम न झूठी प्रशंसा करा चाहते, व्यर्थ श्री राम के गुण हम ना गा सके, यह संबंध ऐसा न छुड़वा सके, जनक राव के सुन वचन होए राव गंभीर, शर्त रखी है एक कठिन धार हृदय में धीर, क्या कह गए धार हृदय में धीर। राजा जनक उन चंद्रगति विद्याधर से क्या क्या कह गए, जो वचन उन्हें नहीं कहने थे वो भी कह गए। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जो बड़े धीर वीर राजा होते हैं वो तुरंत क्रोधित नहीं होते हैं, कभी भी दुर्वचन नहीं बोलते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है और जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं और जिनके लिए अपना विश्वास रखते हैं उनके लिए अगर कोई बुरा कहता है, तो फिर क्षत्रिय राजा किसी भी तरह से उसको सहन नहीं कर सकते। अब क्षत्रिय सभी हैं, वह चंद्रगति विद्याधर भी कम नहीं है, राजा जनक भी क्षत्रिय हैं, श्री राम तो क्षत्रिय हैं ही हैं, लेकिन ये सभी महापुरुष एक दूसरे के प्रति सम्मान भी रखते हैं, लेकिन अपने आदर्शों के प्रति अगर कोई बुरा कहता है तो फिर इनका स्वाभिमान जब छिड़कता है, इनके स्वाभिमान को जब कहीं आघात पहुंचता है, तो फिर ये भी पीछे नहीं रहते हैं। राजा जनक ने कहा, अगर तुम्हें इसी बात पर बहुत गर्व है कि तुम आकाश में उड़ते हो, तो आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं, हमें ये बताओ कि उन पक्षियों में और तुम में क्या फर्क है। देखो, धीरवीर सूर को अगर छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, उसी तरह से जब राजा जनक को छेड़ा गया और चंद्रगति ने कहा, तो फिर राजा जनक ने थोड़ा सा उनके लिए भी कहा और ये कहा कि एक बात बताओ,
तुम्हें अपने विद्याधर होने का इतना अभिमान है, मैं मानता हूँ ठीक है विद्याधर हो, आकाश में उड़ते हो, विद्याएं रखते हो, लेकिन मुझे अपनी भारत भूमि का बहुत बड़ा अभिमान है जहां पर बड़े बड़े तीर्थंकर और महापुरुष जन्म लेते हैं। बताओ आज तक किसी विद्याधर श्रेणी में कोई तीर्थंकरों ने जन्म लिया हो, कोई महापुरुषों ने जन्म लिया हो, कोई चक्रवर्तियों ने जन्म लिया हो, बताओ। और जब ये बात उनसे कही गई तब उन राजा जनक ने कहा, देखो मैं कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं करता, मैं कभी भी किसी के लिए अंधविश्वास के साथ भी नहीं चलता, मैं आपसे कह रहा हूँ श्री राम बहुत बड़े योद्धा हैं, गुणवान हैं, आप उनके प्रति किसी भी तरह का दुर्भाव ना रखें, मैंने जिस तरह से उनके बारे में सोचा है, मेरी बेटी सीता का विवाह श्री राम से ही होगा, आप उस संबंध को छुड़वा नहीं सकते, इसके लिए आपको जो करना हो आप कर लेना। जब चंद्रगति ने ये सुन लिया तो फिर थोड़ा सा चंद्रगति के मन में भी विचार आया कि बात को बिगाड़ना नहीं है, बात को बनाना है, और बात को बनाने के लिए भी कई तरीके हो सकते हैं, और अगर हमारे लिए लग रहा है कि कोई भी संबंध नहीं बन रहा है तो एकदम से क्षत्रिय राजा का हार स्वीकार कर लेना भी उसे गंवारा नहीं होता, वो सीधे सीधे हार भी स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक शर्त रखी। उसने कहा राजा जनक से, मैं आपकी बात मानता हूं और मैं आपके अनुसार ही इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि वास्तव में वो श्रीराम इतने शूरवीर हैं, लेकिन उसके लिए एक परीक्षा लेनी होगी, और उस परीक्षा में अगर वो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो ठीक है, और इस परीक्षा में उनके शौर्य की, उनके शूरवीरपने की, उनके पुण्य की परीक्षा की जाएगी, और उसके लिए एक योजना उसने राजा जनक के सामने रखी, और वो योजना क्या है वो आपके सामने आती है। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, जो त्याग संयम की मूरत है, जो त्याग संयम की मूरत है, उस राम की गाथा गाती हूँ, प्रणम सागर जी की शिष्या हूँ, आचरण की बात बताती हूँ, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो राम की जय हो। तुम राम की जो महिमा गाए हमको विश्वास नहीं आता, हो हम लेंगे परीक्षा थोड़ी सी, गुण गान आपका नहीं भाता, चढ़ेगा नहीं जब रन सीता को लाएंगे, संदेश पढ़ाओ देशों में, हम भी तो शीघ्र ही आएंगे, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो राम की जय हो। सुन जनक आए मिथिलापुर में, मन में संदेह हुआ भारी, ओ श्री राम धनुष को चढ़ा सके बस यही चिंता थी सारी, ओ वह धनुष नहीं विकराल काल, अग्नि और सर्प फुंकारते हैं, हे देव सहस से नहीं आते हैं, प्रणम सागर जी की शिष्या हूँ, आचरण की बात सुनाती हूँ, हो हो जय हो जय हो जय हो जय
चंद्रगति के लिए यह विचार आया तो चंद्रगति ने जनक के सामने एक शर्त रखी कि हमारे पास में देव रक्षित दो धनुष हैं, उन धनुषों के नाम हैं वज्रावर्त और सागरावर्त। ये दो ऐसे धनुष हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति इन धनुषों को कभी उठाना तो दूर, इनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारे श्री राम इतना ही शौर्य और इतना ही पराक्रम धारण करते हैं तो इस धनुष की डोरी चढ़ा करके, इस धनुष को हाथ में लेकर के उठा करके दिखाएं। अगर उन्होंने ऐसा कर पाया तो इस स्वयंवर की विधि से ही मैं ये मान लूंगा कि आप अपनी सुकुमारी सीता को उन राम के लिए समर्पित कर देना, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं जबरन सीता को तुम्हारी मिथिला नगरी से उठा करके ले जाऊंगा। ये स्वयंवर की विधि सबके समक्ष होगी, आसपास के अनेक और राजा हैं उन सबको बुलाओ, और उन सब राजाओं के माध्यम से यह पराक्रम की एक परीक्षा ली जाए। जो इस धनुष को चढ़ा देगा, डोरी चढ़ा देना एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो इस धनुष की डोरी को चढ़ा देगा, डोरी सहित कर देगा, उसी के लिए यह स्वयंवर की विधि के माध्यम से सीता उसकी होगी। इस तरह का विचार जब चंद्रगति ने मिथिलापुर के राजा जनक के समक्ष रखा तो जनक ने उसकी स्वीकारता भरी और उन्होंने कहा मुझे बात स्वीकार है। और इस बात की तैयारी करने के लिए उन्हें 20 दिन का समय दिया गया और 20 दिन के बाद में वह राजा जनक अपने ही नगर में, अपने ही राज्य में तमाम आसपास के राजाओं को खबर देकर के सबको बुलाते हैं और एक बहुत बड़ा स्वयंवर का महोत्सव होता है। उसमें वह चंद्रगति भी आता है और आसपास के अनेक विद्याधर भूमि गोचरी राजा भी आते हैं, और उस धनुष, वह जो दोनों प्रकार के धनुष हैं उन धनुषों को वहां पर रखा जाता है, और उन धनुषों को देख करके, जैसे कि यहां लिखा है, वह धनुष नहीं है विकराल काल है, अग्नि सर्प फुंकारते हैं, जिनके मुंह से अग्नि निकलती है, जिनके पास से सर्प फुंकार करते हैं, देव रक्षित हजारों देवों से सहित वह धनुष थे और उनके पास में पहुंचते हुए भी अनेक राजाओं की क्या दशा होती है। आगे ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, जब जनकपुरी में वह मिथिला नगरी के वह राजा खुद अपनी पत्नी वैदेही को ये बताते हैं कि मैंने इस तरह की शर्त रख ली है, तो थोड़ी देर के लिए उनकी रानी, उनकी पत्नी के लिए भी बहुत खेद होता है, ये क्या आपने कर लिया, एक तो मेरा बेटा पहले ही जन्म के समय पर ही हरण कर लिया गया था, अगर कहीं ये पुत्री भी मेरे हाथ से निकल गई तो मैं फिर अपने भाग्य को हमेशा रोती ही रहूंगी क्या। ऐसा विचार करके जब वह राजा जनक के सामने रोती है तो उस समय पर राजा जनक उसे कहते हैं, संभालते हैं, देखो प्रिय, रोने से कुछ नहीं होता, कर्म के जैसे फल होंगे हमें उसी तरह से कर्मों के फल के अनुसार नाचना पड़ता है, इन कर्मों के माध्यम से ही सारा लोक, सारा संसार नाच रहा है, और वह कर्म ही सबसे बड़ा नृत्याचार्य है जो सबको नचाता है। हम लोग तो उसके केवल एक पैदे हैं जो उसके कारण से नाच रहे हैं। अगर हमारे भाग्य में पुत्री का सुख होगा, हमारे भाग्य में हमारा सम्मान होगा तो हमें मिलेगा, और अगर हमारे कर्मों के फल से कुछ ऐसा ही कुछ घटित होना होगा तो वो भी हम सामने देखेंगे। हमें अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए, और जो अब हमने उस चंद्रगति राजा से अपना एक विश्वास प्रकट किया है, हमें वो काम तो करना ही है। और ऐसे करके ये संदेश पूरी जनकपुरी में पहुंचता है। देखिए, जनकपुरी में हो रहे जनक राज का कठिन प्रण, जग में शूर जो हो प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, सो सीता पति हो। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी,
अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनकपुरी में हो रहे घर घर मंगलाचार, जनक आगमन से हुआ सबको हर्ष अपार। राजा चिंतातुर हुए कठिन शर्त को दे, रानी सुन व्याकुल हुई क्या विधना के ले। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तालियां बजाते हुए चलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दासी सब राजाओं के गुण रूप वंश बतलाए रही। इन धनुषों पर इस मंडप में जो पहली डोर चढ़ाएगा, हे राजकुमारी आज वही तुमसे बरमाल डलाएगा। कहते सुनत आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सारी तैयारियां हो चुकी और स्वयंवर मंडप के लिए बहुत बड़ा एक मंडप बनाया गया और उसमें सब देश विदेशों के राजा बुलाए गए। उसमें सभी राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के अंदर अनेक वंश और चले, जो रघुवंश कहलाए, चंद्रवंश कहलाए, सोम वंश कहलाए, हरिवंश कहलाए, नाथ वंश कहलाए। इन सब वंशों के राजा वहां पर अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हुए। जिन्हें अपने पुत्र का विवाह करना था वो अपने पुत्रों को साथ लेकर के आए, अपने राजकुमारों को साथ लेकर के आए। और सती उस सीता की रक्षा करने के लिए, चूंकि पहले से जनक को पता था कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो सीता की रक्षा करना पहले जरूरी है, उस सीता को महल के ऊपर केवल देखने के लिए वहां पर उसको बिठाया गया। और उस सीता के आसपास 700 कन्याओं को उसके साथ में रखा गया। 700 कन्याओं से घिरी हुई वह सीता जहां बैठी हुई थी, वहां आसपास बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सामंत उसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। और इन सब सुरक्षाओं के बीच में वह स्वयंवर की तैयारियां हुई थी। और उस स्वयंवर में वह धनुष, जो दो बड़े बड़े धनुष थे, वज्रावर्त और सागरावर्त, वो उनके सामने रखे गए।
और यह स्वयंवर की एक परंपरा होती है कि एक दासी, एक सेविका, वह रानी सीता को बताती है कि ये राजकुमार कौन है, कहाँ से आए हैं, किस देश के हैं, क्या इनके गुण हैं, क्या इनका शौर्य है। सबका बायोडेटा उसके पास में होता है और वह एक एक करके सबसे उनका परिचय कराती है और वह परिचय होता जाता है। सभी राजकुमार उस धनुष के पास तक आते हैं और सब अपने अपने शौर्य को दिखाने के लिए, देखने के लिए भी तैयार रहते हैं।